प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से फकीर योगी वीरेंद्र योगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करना चाहता है कि जितने भी हमारे टीवी चैनल्स पर, जिसे हम न्यूज़ चैनल कहते हैं, वो डिबेट चैनल बन गए हैं। फालतू की बातें करता है, तरह तरह की बातों से हमारे समय को बर्बाद करता है। और मेरे को पास इतना समय कहाँ है कि बैठ के गुंडे लुच्चे लफंगे तरह तरह के बदमाशों को जुटा लेता है अपने टीवी की जो उसका है देखने वालों की सूची बढ़ाने के लिए। और इससे क्या होता है, समाज का नुकसान होता है, क्योंकि किसी के पास इतना वक्त कहाँ है कि फालतू बातों को सुने। अरे वो बोलने वाला कितना महान व्यक्ति होता है, देखो वो एक दूसरे को गाली गलौज करता है, मारपीट करने की नौबत आ जाती है, उसको रोकना पड़ता है। क्या हम उन मूर्खों को सुनने के लिए डिबेट सुने क्या? इसीलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बताता हूँ कि अगर डिबेट नहीं करना है तो उस पर मैसेज दो। मैसेज उन महापुरुषों से जिन्होंने विश्व शांति के लिए कार्य किया, उन महान महिलाओं से, उन महान ज्ञानी गुरुओं से जो विश्व शांति की बात करते हो, जो समों को जोड़ने की बात करते हो, जो सूर्य और चांद की तरह सत्य हो, सत्य वचन सुनाओ जिसको कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता है। अगर मुझे बुलाओगे तो मैं निष्पक्ष बात करूँगा, ग्रेविटेशन को ग्रेविटेशन बोलूँगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को रिलेटिविटी की तरह समझाऊँगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक बोलूँगा, रमन इफेक्ट को रमन बताऊँगा, क्योंकि मैं साइंटिफिक टेम्पर से आइंस्टाइन न्यूटन स्टीफन हॉकिंस के पद चिन्हों पर चलने वाला ऐसा वैज्ञानिक हूँ जो इन अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। ये अंधविश्वासी दूसरों के विचारों पर चलने वाले एक दूसरे का विनाश करने के लिए तैयार रहते हैं, मारने पीटने के लिए तैयार रहते हैं। क्या हुआ, टाइम्स नाउ नव भारत पर दो गुट भिड़ गए, एक दूसरे की कीचड़ उछालने की परंपरा शुरू कर दी, गाली गलौज पर उतर गए और जो कुछ कोई बोल दिया तो उसको विस्फोट कर दिए। अब पूरे दुनिया में इस तरह से एक विवाद खड़ा हो गया। क्या जरूरत है ऐसे विवादों का, क्या जरूरत है ऐसे डिबेट का? बंद करो, डिबेट बंद करो। और उस चैनलों को मैं निवेदन करता हूं, अगर दम है तो सत्य की बात करो, सत्यमेव जयते, सत्य की बात कर। पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, सबको ये सिखा, आज समय और दूरी पर हमने नियंत्रण किया है, सिखाओ। ये पूरी ब्रह्मांड हमारा परिवार है, ये सिखाओ। सत्य की विजय होती है। अज्ञानता के घनघोर अंधकार से बाहर निकलो। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो तुम्हारे अज्ञानता का है उसको दूर फेंक दो और ज्ञान की रोशनी में सत्य को देखने का हिम्मत जुटाओ। सत्य की कमी नहीं है, सत्य पर तो बात नहीं करते, भिर जाते ताल ठोक के तरह तरह से। अरे इतनी बदबूदार बातें करते लोग कि मैं तो बंद कर देता हूँ। उन टीवी चैनलों पर देखो वो गद्दार मकार दुष्ट महामूर्ख उन लोगों को बुला के भिरा देता है, वो ऐसा लड़ाई का मैदान जम जाता है, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। ये डिबेट है क्या रे बेशर्म टीवी चैनल वालों? ये डिबेट है क्या, एक दूसरे को गाली दो? अरे हमारे जैसे लोगों को बुलाओ, हम समझाएंगे। काम क्रोध मद लोह मोह ईर्ष्या द्वेष से दूर चले जाओ, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज है। सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा त्याग प्रवाह में बहते हुए, गले से गले लगते हुए, भाईचारे को बनाते हुए, विज्ञान के पथ पर प्रगतिशील होते हुए अपने समय का सदुपयोग करेंगे। हम कभी भी अपने समय को दुरुपयोग नहीं करेंगे। आज का जमाना साइंटिफिक हो गया है, हमको अपने साइंटिफिक विचारों से काम करना चाहिए। हमको उन बातों में नहीं पढ़ना चाहिए जिससे कि समाज में विभेद हो, विद्वेष हो, कलह हो, फालतू का संग्राम हो, किसका भला होगा? क्या ये जमाना ऐसा है जहाँ अलेक्जेंडर दुनिया को जीतने चला था? क्या ये जमाना ऐसा है कि आतंकवाद एक गद्दार शक्ति के आधार पर, तलवारों के आधार पर दुनिया को लूट रहे थे, काट रहे थे? क्या ऐसा जमाना है आज? ये नहीं हो सकता। दहशतगर्दी का जमाना हो सकता क्या? अगर पूरी पृथ्वी की शक्तियाँ एक साथ हो जाए तो इसका भी समाधान हो सकता है, लेकिन वहाँ भी कमी है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई देखो, पुतिन और जेलेंस्की कैसे लड़ रहे हैं, इस पर भी डिबेट होता है। अरे दोनों मूर्ख है भाई। योग विद्या सीखो, जुड़ो एक दूसरे से, प्यार करो। जो भी क्षति हो रही है जान माल और सारे साधनों का, वो पृथ्वी का
धन दौलत और जीवन गंवाया जा रहा है, ऐसे डिबेट करो। हमें शांति चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें सद्भावना चाहिए, केवल भारत की भूमि पर नहीं, ये पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड में शांति चाहिए। इसे वो बोलते हैं शाश्वत ज्ञान, सत्य ज्ञान। क्या भाई लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, अरे बेहतर होता कि जंगली जानवर पैदा होते। देखो ये शेर बैठा हुआ है यहाँ, ये दूसरा शेर यहाँ सवा शेर बैठा हुआ है, इसको अकल नहीं है। मनुष्य जाति में पैदा लिया, अकल तो हुआ लेकिन अकल का इस्तेमाल नहीं किया। वफादारी तो आई, समझदारी कहीं और चली गई। समझदार आदमी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा भाई। काव्य शास्त्र विदोने कालो गसते धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गसते धीमताम, वसने न चो मूर्खा नाम निंद्रा कलहन वाला। कला कला कला, मारो मारो, काटो काटो, शर्म आती है। फकीर योगी वीरेंद्र योगी आप सबों से हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि जमाना बदल गया, जाति धर्म क्षेत्र मजहब ये सब दूर फेंक दो, एक मनुष्य हो और मनुष्य में बुद्धि है, बुद्धि का प्रयोग करके वैज्ञानिक ढंग से शांतिपूर्ण जीवन जियो। थोड़े दिन की जिंदगी है भाई, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। मरने वाले हो भाई, कब मरोगे पता है क्या? जब मरने ही वाले हो, ये जीवन जीना ही एक दुखद है, तो और दुख को बढ़ाओ लड़ाई करके, झगड़ा करके, दूसरे की निंदा करके। निंदा स्तुति दोनों त्याग दो, और समय कहाँ है कि तुम निंदा से, अपना काम करो, अपना काम करो भाई। काम करोगे, सेवा करोगे तो नेवा मिलेगा, पैसे मिलेंगे, परिवार को देखो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, मेरी तरह योगी बना दो। मैं पृथ्वी पर इसीलिए पैदा लिया कि हाँ मैं शांति का वातावरण पैदा करूँ, और आप भी इसीलिए पैदा लिए हैं। और टीवी डिबेट वाले लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, डिबेट बंद कर, किस बात का डिबेट? सत्य बोलते नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हो तुम, शर्म करो।